रिफ्लेक्शन थ्रू अ प्रिज्म में लिखिएगा, अ प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिव मीडियम. प्रिज्म is a wedge shaped a prism is a wedge shaped portion of a transparent refracting medium portion of a हाँ जी बोलिए. सर ये थिन लेंसेज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस की बात कही है ना? हाँ उसके बाद वाला है, उसके बाद है वो वाला पोर्शन अब खत्म हो गया. लेंस वाला पोर्शन पूरा टोटली खत्म हो गया है, हमारा ये बचा हुआ है प्रिज्म. प्रिज्म के बाद करेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, वो दो टॉपिक्स हैं. पहले ये वाला करना है. अ प्रिज्म इज अ वेज शेप्ड पोर्शन ऑफ अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस. ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम bounded by two plane faces inclined to each other at a certain angle, inclined to each other at a certain angle. ये फिगर बनाइएगा प्रिज्म की. इसमें हम ये कहेंगे कि इधर वाला जो फेस है और ये जो इधर वाला फेस है, ये जो दो फेसेस हैं, इन दोनों फेसेस को आप बोल दीजिए रिफ्रैक्टिंग फेसेस. ये तो रिफ्रैक्टिंग फेसेस हो गए. ये जो बीच में एंगल है इसको बोलिए एंगल ऑफ प्रिज्म. ये प्रिज्म का एंगल हो गया, एंगल ऑफ प्रिज्म. ऊपर जो ये जो पूरी जो ये ऊपर वाली स्ट्रेट लाइन है जहां पर इधर वाला रिफ्रैक्टिंग फेस और इसके पीछे वाला रिफ्रैक्टिंग फेस जहां पर ये दोनों मिलते हैं, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग एज. रिफ्रैक्टिंग एज, EDGE, रिफ्रैक्टिंग एज. और इसकी आप नेमिंग इस तरह से करें कि ये वाला जो है, ये वाला जो वर्टेक्स है इसको ए बोलो, ए बी सी. और इसी तरीके से ये जो ऊपर वाला है इसको बोलिए डी ई एफ. हमें कहीं पर अगर जरूरत पड़ेगी तो हम ए बी सी और डी ई एफ इसी तरह से यूज करेंगे कि फ्रंट वाला ए बी सी हो गया और इसके पीछे वाला हो गया डी ई एफ. इधर वाला जो फेस है और इधर वाला फेस है इनको बोलेंगे हम रिफ्रैक्टिंग फेसेस. ये जो बीच में एंगल बन रहा है, सामने जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ प्रिज्म. और जहां पर ये वाला रिफ्रैक्टिंग फेस और ये वाला रिफ्रैक्टिंग फेस जॉइन होते हैं उस पूरी स्ट्रेट लाइन को हम बोल देते हैं रिफ्रैक्टिंग एज. उसके बाद इसमें जो ये फ्रंट वाला जो ट्राइंगुलर पोर्शन है, इस फ्रंट वाले ट्राइंगुलर पोर्शन को ये जो है ए बी सी, इट इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन. इसको बोल देते हैं प्रिंसिपल सेक्शन, जो ये फ्रंट वाला फेस है इसको. ठीक है, इसके बाद यही दो तीन जो चीजें हैं ये आप नोट कर लीजिए यहां पर.
पहला आप लिखेंगे द टू प्लेन फेसेस the two plane faces A B E D जो पीछे वाला फेस है वो और फ्रंट वाला A C F D and A C F D the two plane faces A B E D and A C F D inclined to each other are called refracting faces of the prism. Refracting faces of the prism. Underline कर लीजिए. Next जो है, next note करेंगे. The line AD along with the two refracting faces meet. Along which the two refracting faces meet. Two refracting faces meet is called the refracting edge of the prism. Refracting edge of the prism. इसे भी इंटरलाइन कर लीजिए. Refracting edge. The third face BCFE. BCFE इसको base बोल देते हैं. The third face BCFE of the prism opposite to the refracting edge of the prism opposite to the is called the base of the prism. Full stop. Next, again, the angle capital A included between the two refracting faces. Any section of the prism cut by a plane perpendicular to the refracting edge
any section of the prism cut by a plane perpendicular to the refracting edge is called principal section of the prism. Is called principal section of the prism. मतलब ये जो refracting edge है, इस refracting edge के perpendicular आप किसी plane से अगर इसको काटें, तो ऐसे ही triangular slices निकल के आएंगे, इसको principal section बोल देते हैं। तो ये कुछ important terms हैं prism से related. अब prism से related कुछ derivations जो हैं हमारे syllabus में वो हम करेंगे. तो पहला note करेंगे आप, refraction through a prism. इसमें आप लिखेंगे deviation produced by a prism. हेडिंग डालिएगा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. कॉलन डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म. अब इसमें एक प्रिज्म का बड़ा सा डायग्राम बनाएं. प्रिंसिपल सेक्शन का डायग्राम बनाएंगे हम इसमें. वही प्रिंसिपल सेक्शन वाली ही नेमिंग करेंगे, ए बी सी. A, B, C. अच्छा, जो चीज हमारे काम की होगी वो बनाएंगे, जो काम की नहीं है वो बनाने की जरूरत नहीं. जैसे यहाँ पर कोई आपको अब इतना समझ में आ गया होगा, ये AB हो गया और ये AC हो गया. तो AB के पीछे मतलब ये पूरा का पूरा प्लेन है, इसको रिफ्रैक्टिंग फेस बोलेंगे. AC जो है इसके पीछे मतलब मैं इसको ये जो उसका साइड व्यू देखा है, मतलब जिसमें थोड़ा सा फ्रंट और थोड़ा सा साइड भी दिख जाए, पूरा प्रिज्म दिखाई दे जाए, वो देखा है. लेकिन यहाँ प्रिंसिपल सेक्शन सिर्फ फ्रंट से देख रहे हैं. ये वाला एंगल जो है एंगल ए, ये कहलाता है एंगल ऑफ प्रिज्म. हम जब यहाँ पर कभी भी कोई भी रे इंसिडेंट करेंगे, तो क्योंकि जो इधर पीछे फेस है इसको रिफ्रैक्टिव फेस बोलेंगे, तो यहाँ पर एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी. ऐसे रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई. अब इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालने के लिए मेरा काम क्या है कि मैं इस पॉइंट पर जहां ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करी है, ठीक इस पॉइंट पर मैं एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा. नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, ठीक है. अच्छा, अब इसको आप क्या करें कि ये वाला जो पॉइंट है, जैसे यहां से ये रे स्टार्ट हुई, इसको बोलिए बेटा पी, इसको बोल दीजिए क्यू, ठीक है. उसके बाद हम ये कहेंगे कि ये एयर से और इसमें ग्लास के अंदर, ग्लास का बना हुआ है प्रिज्म, तो ये ग्लास के अंदर एंटर कर गई. तो क्या है कि ये वैसे तो सीधी जाती है ऐसे, लेकिन ये टिल्ट कर गई. तो आप क्या करें, आप सबसे पहले तो वो लाइन ड्रॉ करें कि इंसिडेंट अगर ये बीच में, ये जो इंसिडेंट रे है अगर बीच में ये प्रिज्म ना आता तो ये सीधी जाती. तो एक लाइन ऐसे ड्रॉ करके छोड़ दीजिए, अभी काम आएगी ये लाइन. ये हमने बनाकर छोड़ दिया और इसका इतना डेविएशन हो गया, इतना ही डेविएट कर गई, ठीक है. अब डेविएट करने के बाद में अब ये ग्लास के अंदर, ग्लास के अंदर इस पॉइंट पर स्ट्राइक कर रही है, तो ग्लास से बाहर निकलेगी, तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया, जिसमें अब ये रे ऑफ लाइट ग्लास से एयर में जाएगी वापस. तो यहां पर भी आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर नॉर्मल ड्रॉ करा, ठीक है. अच्छा, अब ये जो हमारा
इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को हम बोलते थे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो ये एंगल आई हो गया। उसके बाद ये जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है ये इस तरह से डेविएट कर रही। अब अगर कायदे से देखा जाता तो ये कायदे से तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकलती भाई, ये इस तरह से निकलती। अगर मान लीजिए यहाँ पर ग्लास, मतलब ये बाउंड्री बाउंड्री चेंज ना हो रही होती कि ग्लास से एयर में जा रही है, तो ये ऐसे जा रही होती। तो अब डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये जो नॉर्मल है इस नॉर्मल से दूर की तरफ भागेगी। तो कायदे से तो यहाँ जाती लेकिन इससे थोड़ा सा दूर भागेगी इस तरह से, ठीक है। ये हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया हमारा, क्योंकि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ ये एंगल बना रही थी। फिर ये रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोल दीजिए आर, ठीक है। इसको बोला मैंने पी, इसको बोला क्यू। अब अगला जो पॉइंट है उसको आर और अगले को एस बोल दो। ये वाला जो पॉइंट है इसको आप आर बोल दीजिए, इस पॉइंट को यहां मेंशन कर रहा हूं आर, और यहां इसको बोल दीजिए एस, ठीक है। अब हम ये कहेंगे कि ये जो आर है एंगल, और इस वाले को आप बोल दीजिए आर डैश, इसको आर डैश बोल दिया हमने, आर हो गया, आर डैश हो गया। फिर हम क्या करेंगे कि ये रे ऑफ लाइट बाहर निकली है तो नॉर्मल के साथ जो ये एंगल बनाएगी वो एंगल ऑफ इमरजेंस होता है, इसको मैंने बोल दिया आई डैश। टर्म्स बता दीजिए, टर्म्स सारी क्लियर है कि नहीं? यस सर, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद हम ये कहेंगे कि जैसे ये बिल्कुल शुरुआत वाली जो इनिशियल रे ऑफ लाइट है, इनिशियल रे ऑफ लाइट को पूरा आगे तक हमने एक्सटेंड कर दिया, ऐसे ही जो फाइनल रे ऑफ लाइट है फाइनल रे ऑफ लाइट को पूरा पीछे तक एक्सटेंड कर दो, जहां पर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने लगे यहां पर रुक जाइए बस, ठीक है। हम इतना करके रुक गए। अब आप क्या करिए, एक पॉइंट ये है, इसको बोलिए एम, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को बोल दीजिए बेटा एम, और इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए एम एम एन, ठीक है। और ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को बोल देना, यहां लिख रहा हूं अलग से, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको क्या कहते हैं, जैसे जैसे एस लिखते हैं ना, वैसे एस, उस एस को ऐसे बंद कर दो, एस तो ऐसे लिखा, इस एस को बंद कर दीजिए यहां पर, इसको डेल्टा बोल देते हैं, डेल्टा, ठीक है। ये वही कहानी है कि जैसे ये कैपिटल डेल्टा हो गया, ठीक है, सॉरी ये तो डेल ऑपरेटर होता है, ये कैपिटल डेल्टा हो गया है ना, तो ये वाला जो है ये स्मॉल डेल्टा, जैसे हमारा ये इंग्लिश में होता है ना कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये वो वाला चक्कर है सारा। तो इसमें कन्फ्यूज मत होना कि इसको डेल्टा बोलूँ या इसको, दोनों डेल्टा ही है। जैसे ये होता है ना, इसको भी सिग्मा बोल देते हैं, ये कैपिटल सिग्मा है और ये जो है ये स्मॉल सिग्मा है, तो ये दोनों सेम चीज़ है बोला जा सकता है। अब मैं ये बता रहा हूं इधर, इसके बाद आप नोट करें इसमें कि फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, अब मैं इसकी बात करूंगा ए क्यू एन आर, क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर, नोट करिएगा, फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर एंगल ए, जिसको हम एंगल ऑफ प्रिज्म बोल देते हैं, एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू एन प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस एंगल एन आर ए बोल दो, या ए आर एन बोल दो, मतलब आप जो ये बीच में आर आर डैश एम और ये डॉटेड लाइंस हैं इन सबको बिल्कुल इग्नोर करिए, सिर्फ फोकस करना है कहां पर, ए
क्यू एन आर पर, तो ए क्यू एन आर में एक तो बेटा ये ए पर बन जाएगा एंगल पूरा बड़ा, जिसको हम एंगल ए बोल देंगे, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है इसको। दूसरा हो जाएगा ए क्यू एन, मतलब ये वाला पूरा एंगल, तीसरा ये वाला एंगल एन, और चौथा ए आर एन, ए आर एन बोलो या एन आर ए बोलो आपकी मर्जी है, एंगल ए आर एन बोल दीजिए इज इक्वल टू 360 डिग्री, रीजन में लिख दीजिएगा यहाँ एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी है ये क्वाड्रिलेटरल की, चार एंगल्स का सम 360 होता है। उसके बाद आप क्या कहेंगे कि फिर देखिएगा, जैसे हाँ ठीक है, जैसे आप ये देखिएगा कि ये नॉर्मल है ना, कहां पर, इस प्लेन पर, तो ये नॉर्मल, ये इस प्लेन पर नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये प्लेन के साथ एंगल 90 डिग्री बना रही है, तो एंगल ए क्यू एन जो है वो 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है। सिमिलरली ये वाली जो लाइन है ये नॉर्मल है, तो ये वाली लाइन ये इस प्लेन के साथ में, एसी प्लेन के साथ में पूरा एंगल जो बना रही है वो 90 डिग्री है, तो हमारा ये जो ए आर एन है ये भी 90 डिग्री हो गया, ये दो एंगल्स 90 डिग्री के हैं। तो क्या कहेंगे, एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस 90 इज इक्वल टू 360, 90 प्लस 90 180 उधर चला जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया, इसको इक्वेशन नंबर वन बोल दीजिए यहाँ तक कर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर वन। फिर बात करेंगे नाउ इन ट्राइंगल क्यू एन आर, नाउ इन ट्राइंगल क्यू एन आर, ये जो ट्राइंगल है क्यू एन आर, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल में हम ये कहेंगे आर प्लस आर डैश प्लस क्यू एन आर, एक तो एंगल आर है, एक एंगल आर डैश है और एक है क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में क्या लिखें, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक, इसको बोल दो इक्वेशन नंबर टू। इक्वेशन वन ये कहती है कि एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, इक्वेशन टू कहती है कि आर प्लस आर डैश प्लस क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसका मतलब ये है कि ए, एंगल ए और आर प्लस आर डैश दोनों के दोनों इक्वल हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बताइए। यस सर। भाई बाकी बच्चे बताइए, सभी को क्लियर है यहाँ तक? यस यस। ठीक है, चलिए तो हम ये कहेंगे कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, एंगल ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर थ्री, एंगल ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, ये हो गया, ठीक है। फिर मैं ये कहूंगा कि नाउ इन ट्राइंगल एम क्यू आर, उस तरफ आर लास्ट में उधर कर रहा छोटा सा जो ट्राइंगल है इसकी बात करें, तो इस ट्राइंगल में हम ये कह सकते हैं कि एंगल एम क्यू आर, ये वाला एंगल एंगल एम क्यू आर प्लस ये, देखिए ये वाला एंगल एम क्यू आर और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये इतना सा एंगल की बात कर रहे हैं, एम आर क्यू, एंगल एम आर क्यू
अब इस ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल एक्सटेंड कहाँ पर हो रहा है? देखिए ये जो लाइन है, ये वाली लाइन इधर क्यू आर, ये कहीं एक्सटेंड नहीं हो रही, लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ क्यू एम, ये एक्सटेंड हो रही है, तो ये इसके लिए क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा। तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल विल बी इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो मैंने इंटीरियर अपोजिट एंगल्स का सम कर दिया है इज इक्वल टू डेल्टा, यहां लिख लेना एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ध्यान देना सभी बच्चे, देखो ये जो लाइन है PQ, ये PQ लाइन ही तो आगे एक्सटेंड हो रही है, और ये नॉर्मल यहाँ एक्सटेंड हो रही है, तो ये पूरा एंगल आई है, तो बेटा ये पूरा एंगल भी आई होगा, लेकिन मुझे केवल इतना सा निकालना है, तो ये पूरा एंगल आई है, आई में से आर सबट्रैक्ट कर दीजिए, तो एम क्यू आर क्या होगा? आई माइनस आर। ये समझ में आ गया होगा? आ गया है तो मैं आगे बढ़ू नहीं तो छोड़ू? बताओ भाई, आ गया सर। बाकी बच्चे बताएं भाई, यस समझ गए? आर्यन, ध्रुव, ईशान, निकांश, मिलन, सर। नयन, प्रिशा, सभी को क्लियर है? यस चलिए जी, बढ़िया, सर। ठीक है। अब देखिएगा, इतना करने के बाद में फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं ऐसे ही ये वाली साइड देखूंगा, तो यहां पर देखिए ये वाली लेंथ को मैंने इधर एक्सटेंड कर रखा है, और ये वाली लेंथ को, तो इधर ये एंगल आई डैश है, तो ये पूरा एंगल आई डैश है वर्टिकली अपोजिट। मुझे केवल इतना सा निकालना है, तो आई डैश में से आर डैश सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस आई डैश माइनस आर डैश इज इक्वल टू डेल्टा। अब आई और आई डैश को एक तरफ ले आओ, यहां लिखो ऐसे आई प्लस आई डैश, और माइनस आर डैश इज इक्वल टू डेल्टा, तो आई प्लस आई डैश माइनस कॉमन ब्रैकेट में आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू डेल्टा। ठीक है जी, यहां तक करने के बाद में अब क्या करें? डेल्टा देयरफॉर डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए। क्यों? क्योंकि यहां हमने इक्वेशन नंबर 3 में यही चीज देखी थी कि आर प्लस आर डैश जो है वो एंगल ए के बराबर है। यहां लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 3 डेल्टा आई प्लस आई डैश माइनस एंगल ए के इक्वल हो गया। ठीक है, यहां से मैं ये कहूंगा कि आई प्लस आई डैश इट अगेन इंप्लाइज दैट आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू डेल्टा प्लस एंगल ए बोल दो, या सिर्फ ए भी बोलेंगे तो वो भी एंगल ए की ही बात करेगा यहाँ, क्योंकि मैं किसी में ए का सिंबल लगा नहीं रहा, एंगल का सिंबल लगा नहीं रहा, तो आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू डेल्टा प्लस ए। तो ये एक रिलेशन बन गया जो प्रिज्म में हर जगह हम यूज करेंगे, मतलब ये एक तरीके से प्रिज्म की थ्योरम है, बेसिक थ्योरम, जिससे डेविएशन में, एंगल ऑफ प्रिज्म में, इंसिडेंट एंगल में, और एंगल ऑफ इमरजेंस में, इन सब में रिलेशन निकाला जाता है। तो आप यहां से ये कहेंगे, ये बीच में लिख रहा हूं मैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस देयरफॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, ये चीज हमको करनी थी, डेविएशन प्रोड्यूस बाई अ प्रिज्म में। ठीक है, उसके बाद वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ प्रिज्म,
ये आपकी कल की क्लास में करता हूँ, कल शाम को करेंगे, आज के लिए इतना कर लीजिए। ठीक है सर। थैंक यू। ओके ओके। हेलो सर। हाँ जी बताइए।